यूपी के पीलीभीत में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके चलते प्रस्पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यूपी के पीलीभीत जनपद में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रस्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के आह्वान पर बूथ व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा नए मतदाता बनाए जाएंगे, साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। 127 शहर विधानसभा पीलीभीत में कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के 127 विधानसभा से प्रत्याशी व प्रदेश सचिव शोहेब खान द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा उवेस अली को बनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 20 सितंबर को ईदगाह कॉलोनी में की जाएगी। 20 सितंबर को वार्ड 1 से वार्ड वार कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। नगर के कार्यक्रमों का 17 अक्टूबर को समापन कर 127 विधानसभा के देहात क्षेत्र के बूथों पर इसी के आधार पर कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव शुरू हो चुका। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हम यहाँ से प्रदेश विधानसभा से, और हमने 395 बूथ हमारी विधानसभा में, लगभग पूरी विधानसभा में हर बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी हमने नई बनाने का काम किया है। पूरी बूथ कमेटी में इसके साथ कल से हम एक नया कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर कल से हर बूथ पर संवाद का कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसको नगर से शुरुआत देने का काम हमने किया है। ईदगाह से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसका प्रभारी हमने प्रगतिशील समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हमारे मजबूत साथी उबैस अली को बनाया है, और इनकी एक कमेटी बनाई है जिसमें यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शदाब नबी खां, नगर के अध्यक्ष रेहान अलवी, यूसुफ उस्मानी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव शाहनवाज खान समेत काफ़ी नौजवान साथियों और बुजुर्गों को साथ लेकर एक कमेटी बनाकर इसकी शुरुआत की है। कल से ये कार्यक्रम शुरुआत होगी। इसकी हर मोहल्ले में रोज़ सुबह 10 से 5 बजे तक ये लोग बोर्ड बनाने का काम करेंगे, जो लोग नए जिनके बोर्ड अभी नहीं बने, और हर बूथ पर एक यूथ अपॉइंट करने का काम करेंगे। पहले नगर में 27 मोहल्ले हैं, इसको नगर कंप्लीट होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद देहात क्षेत्र में हम शुरुआत करेंगे। इसमें मैं भी मौजूद रहूँगा, नगर में भी वैसे मौजूद रहूँगा, लेकिन इसमें नगर कार्यकर्ताओं को देहात में अमरिया से हम शुरुआत करेंगे। एक बड़ा कैंप लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे, और जहानाबाद में भी, उसके बाद देहात में भी 395 बूथ पर हमारी पार्टी की कमेटी बनाकर और बोर्ड बनाने का काम करेंगे और नौजवानों को जोड़ देगा। जिले में 4 विधानसभाएँ हैं, कितनी विधानसभाओं में आपकी टिकट डिली होगी? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पिछली 18 तारीख को आपके बीच आए थे, टिकट शहर विधानसभा का वो मुझे प्रत्याशी बनाकर गए हैं, और किसी विधानसभा की सूचना अभी नहीं आई। आगे विधानसभा की टिकट क्लियर होंगे क्या? इस बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाईकमान के साथ, जिस तरह गठबंधन की बात की जा रही है उसको लेकर, उसको किस नज़र देखते हैं? गठबंधन की बात हाईकमान का मामला, इस पर मेरा कुछ कहना नहीं। अभी शिवपाल जी जो है वो सपा के साथ जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, हम तो उनके साथ हैं, उनके हुक्म के पालन में करेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में जाएंगे आप? क्या मैंने चुनाव बहुत से लड़ाए और कई चुनावों में प्रभारी भी रहा, इतनी पिछड़ी भी विधानसभा मैंने पूरे मंडल के अंदर देखी जो पीलीभीत 127 विधानसभा। यहाँ आज़ादी के बाद से मुझे लगता है जनता को ठगने का काम किया। सड़कों का हाल खराब, शिक्षा बहुत पीछे है। अमरिया जैसी जगह में और जहानाबाद पीलीभीत एक अच्छा बड़ा ज़िला है, उसके बाद यहाँ से शिक्षा के लिए 50 किलोमीटर दूर बरेली जाना पड़ेगा, तो इससे बड़ी बदनसीबी की बात पीलीभीत के लिए और क्या हो। मनोज सुंडी जी की ओर से विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।